दुनिया के सबसे चिरांद आदमी कौन होगा? सोचो मत ज्यादा, मैं बताता हूँ। एमएनसी कंपनी का मैनेजर, भाई साहब ये तुमसे तब तक काम करवाएगा जब तक कि तुम पूरी तरह से निचुड़ ना जाओ। मैं खुद 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ और सैलरी वही 9 घंटे के हिसाब से मिलती है, और उसमें भी भाई साहब इतने ड्रामे इनके। कल मेरे को कहता है, यार तुम नए हो इस प्रोसेस के अंदर, तुम्हें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना जो काम है ना वो सैटरडे संडे में निपटा लो ताकि तुम्हारा मंडे थोड़ा लाइट हो जाए, लाइट हो जाए। कोई सेंस है इस बात की? और भाई साहब प्रमोशन की बात कर लो इनसे, प्रमोशन का नाम सुनते ही मौत आ जाती है इन लोगों को। और सारी एमएनसी के मैनेजर्स को ना एक ही चीज रटवा रखी है, काम तो सभी करते हैं जिसके बदले में तुम्हें सैलरी मिलती है। प्रमोशन पाने के लिए यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स कैसे होता है? बोला मुंह खोल मैं, हाँ बोला जीभ बाहर निकाल मैं, हाँ और भाई साहब आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में बात कौन कर रहा है? ये देखो, ये टकला जो खुद क्रिएटिविटी के नाम पे 0/0 सन्नाटा है। और भाई मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करना। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, पोस्ट की तो इज्जत रखो, कम से कम चीजों को मैनेज तो करना सीखो। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आईटी में कॉल कर लो, क्लाइंट साइड से इशू आ रहा है सीधा क्लाइंट से बात कर लो। अरे प्रोसेस के अंदर दिक्कत आ रही है हायर लेवल पे चले जाओ, सैलरी में इशू आया एचआर से बात कर लो। तुम किस लिए बैठे हो बे? ये रेफर करने के लिए कि हमें किससे बात करनी चाहिए, बस यही काम है तुम्हारा? मेरी टीम में 20 लोग हैं, हर एक बंदे के पास कम से कम 10 एक्टिविटी होगी, और उस 20 बंदों में से किसी एक बंदे की एक एक्टिविटी नहीं कर सकता ये। और टकला कहता है हम ऐसे ही ग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। कौन सा ग्राउंड था बे वो जहां से तू उठ के यहाँ पर पहुंच गया है आके हमारे सर के ऊपर? काम चाहे जितना मर्जी कर लो भाई, अप्रिसिएशन तक नहीं मिलती, लेकिन जहां मॉनिटरी बेनिफिट देने लगे, पूरे फ्लोर के बीच में खड़ा करके लोगों से तालियां बजवाते हैं कि देखो ये बंदा है, ये डेडिकेटेड बंदा है, इसने सैटरडे संडे भी काम किया है और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, आज हम इसे 500 चीयर पॉइंट्स देते हैं, और जिनकी वैल्यू 100 रुपए है। और वहीं पर दूर पे खड़े हुए मेरे दोस्त जो तालियां बजा रहे होते हैं ना, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है, जो हंसी होती है ना, देख के इतना खून खोलता है ना, मानो वो यही कह रहे हो कि यही है वो निकम्मा जिसने 100 रुपए के चक्कर में अपनी जिंदगी का सैटरडे संडे भी कंपनी को दे दिए। इनकी तो यार थैंक यू बिना बहुत गंदी चुभती है भाई, बहुत सीरियसली। लेकिन जब ये गालियां देते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है, मानो इनको तड़पते हुए देखना, इनको बिलकते हुए देखने में ना जो खुशी है, जो अप्रिसिएशन मैं खुद को देता हूँ ना, आहा, वो सुख मैं बयान भी नहीं कर सकता। खैर छोड़ो यार, हमें क्या करना, सबकी अपनी अपनी मजबूरी, अपनी पावर, अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। खैर इनकी आज तक मुझे पावर तो कभी नहीं पता लगी, लेकिन जब भी हम कोई शिकायत लेके जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस जरूर है इनके पास। हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सालों तुम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा बोलना भी बेकार है। पता लगे कल को मेरी वीडियो वायरल हो गई, मैं यहाँ पर अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ और कल को वो ऑफिस में अपनी भड़ास निकाले, फिर उस भड़ास को निकालने के लिए मुझे एक और वीडियो बनानी पड़े। लेकिन हो तो तुम चिरांदी।